जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जा रहे हैं कबाब जीज की आईटी लेने, और वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ की आईटी कैसी होती है। कबाब जीज तो एक नोटा जबाद में है, एक सिंधी मुस्लिम पी सी एच एस पर है, और ये वाला जो हम जा रहे हैं ये दो दरिया वाला है। दो दरिया का नाम सुनकर ही आपके माइंड में आता होगा व्यू वहाँ का, कि वहाँ पानी है, सीनिक व्यू है। बाकी रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं, लेकिन जो है कोलाची जो वहाँ पर हाईटी दे रहा है, ठीक है। और ये लास्ट फ्राइडे से स्टार्ट हुई है लॉकडाउन के बाद। सो हम लोग देखें, यहाँ ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए हैं कबाब जीज। अंदर जाके देखते हैं कि वहाँ की हाईटी कैसी होती है, वहाँ का रिव्यू पूरा, और एक ही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगी, ठीक है। ये एंट्रेंस है, ठीक है। हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। अच्छा, हाईटी के रेट्स मैं आपको बताऊँगी जो कि रिजनेबल हैं। अच्छा, ये देखें, ये पूरा एम्बियंस है जिनका बना हुआ है। बेस्ट चीज़ जो है ना वो यहाँ का व्यू है, रिलैक्सिंग व्यू जिसे बोलते हैं ना। अच्छा, ये देखें, ये इनके चार्जेस लिखे हुए थे 999 प्लस टैक्स, तो टैक्स मिलाकर जो है ये 1130 रुपीज़ हो रहे हैं, जो कि सही है पर पर्सन। ठीक है, मैं आपको मेन्यू दिखाऊँगी। ये हमारा सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, हम जा रहे हैं अंदर। ये इनका मेन्यू है, ये देखते हैं क्या 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 है। अच्छा, ये हैं चिकन रेशमी कबाब, अभी ये फिल कर रहे हैं, ये देखें। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बहुत टेस्टी थे। ये पास्ता है क्रीमी। अच्छा, ये फ्राइड राइस हैं, फ्राइड राइस फेवरेट होते हैं चाइनीज़ है, चिकन मंचूरियन। अच्छा, ये चिकन चाउमीन जो बहुत मज़े के थे, सॉसी थे और बहुत मज़े के थे। ये हलीम है, साथ में उसके लवाजमात रखे हुए हैं, ये रिसा है। अच्छा, हलीम के बाद जो है ये दही बड़े हैं, हाईटी के आइटम्स, स्पेशल आइटम्स जो होते हैं, दही बड़े, और ये चना चाट। चना चाट के साथ जो ये सारे इसके लवाजमात जो हम डालते हैं ऊपर से इसको और अच्छा बनाने के लिए, इमली का पानी, चीज़ वगैरह। अच्छा, ये गोलगप्पे देखें कितने ज़बरदस्त बास्केट में रखे हुए हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, गोलगप्पों के साथ जो है ये गोलगप्पों का पानी। अच्छा, ये यहाँ का व्यू देखें, एनिमल्स रखे हुए हैं और इनकी आवाज़ भी आती है बार बार, तो अच्छा लगता है, देखें व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। अच्छा, ये है प्लेन चिकन सैंडविच, भी बहुत मज़े के थे, ये बहुत लाइट है और बहुत मज़े के थे। साथ में ये चिकन विंग्स हैं, चिकन विंग्स के बाद ये बहुत मज़े के थे, चिकन फाहिता सैंडविच, तो मैंने 2 टाइम्स ली है, बहुत अच्छे थे। मिनी चिकन बर्गर। अच्छा, ढाका फिश यहाँ की स्पेशलिटी है, जो इन्होंने हाईटी में रखी हुई है, वैसे भी स्पेशलिटी है ढाका फिश, तो हाईटी में ये है तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत मज़े की थी। साथ में फ्राइज थे इसके। अच्छा, ये पैटीज़ हैं, चिकन पैटीज, मिनी पिज़्ज़ास, ये भी टेस्टी था, अच्छा था। अच्छा, ये चिकन रोल हैं, आलू समोसा, और साथ में इसके कीमे का समोसा, हाँ कीमे का समोसा भी है, मिक्स पकौड़ा। अच्छा, ये दो तरह के सूप है इनके, हॉट एंड सोर सूप भी है, ओके, सेकंड वन, और कॉर्न सूप भी है। ये हॉट एंड सोर है और ये वाला कॉर्न सूप, चिकन कॉर्न सूप। अच्छा, ये देखें, ये रायता और सलाद, टोमेटो केचप, ये शाम में खाने के लिए जो है सलाचीज होते हैं केक के। ये बर्फ़ी है, मिठाई ज़बरदस्त। अच्छा, बर्फ़ी के बाद गुलाब जामुन गर्म गर्म, डेजर्ट सेक्शन है पूरा। अच्छा, ये बिस्किट्स वगैरह होते हैं साथ में, हाईटी छोड़ी टी के साथ जो लिए जाते हैं, सारे आपके सामने हैं। अच्छा, ये ब्राउनीज, ब्राउनीज बहुत बहुत मज़े की थी ब्राउनीज। अच्छा, ये देखें यहाँ का व्यू है, रिलैक्सिंग व्यू जो मैं कह रही हूँ ना, वो मेन चीज़ देखें, ये सुकून से बैठ के बंदा अपनी हाईटी या जो भी खाना खा रहा है वो इन्जॉय कर सकता है, यहाँ का व्यू सबसे बेस्ट है। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, वीडियो से ही आइडिया हो रहा होगा कितना रिलैक्सिंग व्यू है। अच्छा, ये इनका अंदर की डाइनिंग भी है, एसी जिसे बोलते हैं, एसी हॉल। अच्छा, यहाँ पर कॉफ़ी, ये देखें कॉफ़ी और टी भी है साथ में, जो हाईटी में खैर देते हैं। ये पूरा व्यू है इनका, ये देखें सारा कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। अगर इनके आइटम्स कम लग रहे हैं, कि कुछ लोग बोलते हैं कि आइटम्स बहुत कम है, तो मैं कहती हूँ कि अगर आइटम्स कम भी रख रहे हो लेकिन उसमें टेस्ट हो,
जायका हो उसके अंदर, वरना कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं ना जो बहुत सादा आइटम्स रख लेते हैं लेकिन आइटम्स में टेस्ट नहीं होता, किसी में नमक तेज़ होता है, कुछ किसी में ऑयल की से स्मेल आ रही होती है, कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पर मेरा बहुत बहुत मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग प्लीज़ यहाँ पर आएँ और ये ज़रूर ट्राई करें। यहाँ का व्यू तो अच्छा है ही है लेकिन यहाँ के जो आइटम जो ये लोग दे रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में टेस्ट है। मैं मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है, इनकी हर चीज़ में टेस्ट है। और रेट्स अगर इनके 1130 भी हैं तो आप देखो उसमें आइटम्स जो हैं अच्छे रखे हैं, टेस्ट भी है और व्यू इतना अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब हर चीज़ मुझे अच्छी लगी है।